बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे मटन स्ट्यू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया है, इसमें ये मैंने मटन लिया है हाफ के जी, इसको मैंने बॉईल कर लिया। सिंपली दो दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज काट लिए हैं, नमक एक टेबल स्पून, हल्दी क्वार्टर टी स्पून है, मिर्च हमने क्योंकि दूसरी भी लेनी है गोल इसलिए मैंने हाफ लिए, ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो अदर टमाटर है दरमियाने साइज इन्हें काट ली, एक प्याली दही की, सब्ज मिर्च दो तीन, धनिया एक चम्मच, मैंने लहसुन का लिए इसे चॉप करना है। इसके अलावा 10 से 12 साबुत मिर्च लाल, एक चम्मच सूखा धनिया, ये साबुत नहीं है, थोड़ा सा इसे मोटा मोटा कूट लें, और दो तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून काली मिर्च, लौंग 6-7, दो दालचीनी स्टिक, एक टेबल स्पून जीरा, और 5 मेरे पास ये मोटी इलायची जिसको मैंने इसके सीड्स निकाल लिए हैं। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया इसमें। अब मैंने ये मिर्चें डाली गोल वाली, साबुत मोटी मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, ठीक है। अब इनको ज़रा मिक्स किया 1 मिनट। ज़रा इसको फ्राई कर लिया हमने, इसकी ज़रा खुशबू सी आ रही थी। अब इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया, इसको मिक्स किया, लहसुन अदरक 1-1 टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ, अब इसे 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने गोश्त ऐड कर दिया इस टाइम पर। आप चाहें तो इसको साथ इकट्ठा भी बना सकते हैं बॉयल किए बगैर, इस वक्त आप सब चीज़ें ये डाल के अगर कुकर चला दें तो तब भी ऐसे ही बनेगा। अब नमक मिर्च हल्दी डाल दी, आप इसे 3-4 मिनट के लिए रख देती हूँ, पक जाए ज़रा। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसमें दही को ऐड किया, साथ ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, ठीक है, क्योंकि ये 80% गोश्त गला हुआ है, थोड़ा सा इसमें भी पकेगा। अब इसको हम कवर कर देंगे कुछ टाइम के लिए, 5 से 10 मिनट की पकता है, फिर मैं इसको बुनाई करूँगी। 5-6 मिनट हो गए इसे पकते, अब इसकी बुनाई कर लेंगे थोड़ी सी। असल में गोश्त में जो कसर थी वो अब पूरी होगी, गल गया है, ये देखें गोश्त भी तो गल चुका है क्योंकि हाफ से ज़्यादा गोश्त गला हुआ था, बाकी इसमें पक गया। आपको मटन स्टू की रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल एंजॉय विद कुकिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। अब इसके देखिए ऑयल निकलने लग गया है, इसका मतलब है ये रेडी है। अब मैं इस पर ग्रीन चिलीज ऐड करती हूँ और इसको हल्की आंच पे 2 मिनट रखती हूँ। दम आ गया कि देखिए, इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला, विदाउट वाटर ये रेडी है।